हेलो गाइस, आपका स्वागत है नए वीडियो में। सबसे लोग बात कर रहे थे आई लीग के बारे में, तो आई लीग का नया लोगो आ चुका है एंड लोगो आप देख सकते हो। तो लोगो से हीरो हट चुका है क्योंकि हीरो और स्पॉन्सर भी नहीं है। बट ये चीज अच्छा है कि लाइक जो लीग का जो मेन लोगो है वहां पे स्पॉन्सर नहीं, लीग मेन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ज्यादा अच्छा लगा लोगो में, मतलब ये लोगो अच्छा ही बना है। इसको लेकर ज्यादा कुछ बोलने का है नहीं, छोटा सा अपडेट था मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट चलो बात कर लेते हैं मार्को लेस्कोविच के बारे में। तो मार्को लेस्कोविच नेक्स्ट दो मैचेस नहीं खेल पाएंगे केरला ब्लास्ट एफसी का बिकॉज ऑफ एन इंजरी, जो कि उनको पहले भी आया था, अभी भी वो इंजरी कंटिन्यू होने वाला है। नॉर्थ ईस्ट और उड़ीसा का दोनों ही मैचेस के लिए मार्को लेस्कोविच अवेलेबल नहीं होने वाला, जो कि एक्चुअली केरला के लिए थोड़ा सा चिंताजनक विषय है क्योंकि मार्को लेस्कोविच का जो इंपॉर्टेंस है डिफेंस में वो बहुत ज्यादा है। नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ तो डेफिनेटली काफी टक्कर का होने वाला है। उड़ीसा भी अटैक में काफी अच्छा है, ऑल्दो हाँ उड़ीसा मैं नहीं बोलूंगा कि लोबेरा के अंडर एकदम टॉप नॉच परफॉर्मेंस रह रहा है हर मैच में, लेकिन फिर भी वो परफॉर्मेंस है उड़ीसा का एक लाइक यू नो अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत खराब भी नहीं है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी नहीं है, डिसेंट परफॉर्मेंस उनके साइड से हम लोग को देखने को मिला है। एंड नो डाउट काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि बिना मार्को लेस्कोविच के डिफेंस कैसे शेपअप लेता है केरला का, क्योंकि अटैक तो उनका स्ट्रॉन्ग है इसको लेकर कोई डाउट नहीं, लेकिन डिफेंस कैसा परफॉर्म करता है ये काफी ज्यादा देखने लायक चीज होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते साफ यू नो नेशंस के बारे में। तो फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के सेकेंड राउंड में लाइक यू नो चार साफ नेशंस ने क्वालिफाई किया। इंडिया तो पहले उनको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिला था, बाकी तीन कंट्रीज ने क्वालिफाई किया, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान। लाइक पाकिस्तान ने 34 इयर्स के बाद फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सेकेंड राउंड में क्वालिफाई किया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए। एंड स्टीवन कॉन्स्टेंटिन के अंडर ही हुआ है, मतलब स्टीवन कॉन्स्टेंटिन ने बस बोला था, वो आए नहीं है वैसे वापस, अभी भी है हेड कोच है पाकिस्तान के। उन्होंने कंबोडिया को हराया है जो कि उनके उनके हिसाब से काफी बड़ा अचीवमेंट है। फर्स्ट लेग तो सबसे पहले उन्होंने ड्रॉ करवाया कंबोडिया के अगेंस्ट में। कंबोडिया सी हाँ इंडिया के कंपैरिजन में काफी वीक टीम है, लेकिन पाकिस्तान के कंपैरिजन में कंबोडिया काफी स्ट्रॉन्ग टीम है। तो वहां पे जीत के क्वालिफाई करना, वैसे पाकिस्तान का जो ग्रुप है वो लाइक खतरनाक नहीं, बहुत खतरनाक ग्रुप है, क्योंकि वहां पे सऊदी अरेबिया है, ताजिकिस्तान है, जॉर्डन है, तो होगा नहीं कुछ वहां पे, लेकिन आप क्वालिफाई किया यही उनके लिए बहुत बड़ा बात है कि सेकंड राउंड तक वो क्वालिफाई तो किया उन्होंने। सो लाइक यू नो अच्छा चीज है। एंड देखते हैं कि इस बार साफ नेशंस का परफॉर्मेंस फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई सेकंड राउंड में कैसा रहता है, स्पेसिफिकली इंडिया का परफॉर्मेंस। मैं पर्सनली ऑफकोर्स हम सब देखना चाहते हैं कि किस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस रहता है। इंडिया के ग्रुप में भी अफगानिस्तान आ चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान ने हरा दिया है मंगोलिया को, तो अफगानिस्तान भी इस ग्रुप में आ चुके हैं। तो इंडिया, फिर लाइक यू नो कुवैत और कतार और अफगानिस्तान, तो कतार इस ग्रुप का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टीम है, उसके बाद इंडिया, फिर कुवैत, फिर अफगानिस्तान। तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली काफी ज्यादा मैटर करेगा इंडिया के लिए, क्योंकि मुश्किल होने वाला है, बहुत ईजी नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेल्जियम वर्सेस स्वीडन मैच के बारे में। तो बहुत बहुत ही ज्यादा एक लाइक बहुत एक हॉरिफाइंग एक इंसिडेंट हुआ इस मैच में। सो बेसिकली दो लोगों को लाइक यू नो दे वर शॉट डेड, एंड काफी एक शॉकिंग इंसिडेंट फुटबॉल के लिए, क्योंकि मैच चल रहा था तब, एंड यू नो स्वीडन वर्सेस बेल्जियम फर्स्ट हाफ हुआ, स्कोर लाइन 1-1 था, उसके बाद इंसिडेंट सामने निकल के आया। पुलिस ऑफिसर्स ने डायरेक्टली बोल दिया कि जितने भी सपोर्टर्स है वो लाइक यू नो स्टेडियम के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ है, जो दो विक्टिम्स इन्वॉल्वड है यहाँ पे, दोनों ने एक्चुअली स्वीडिश जो नेशनल टीम का जर्सी वो पहना हुआ था। अब स्टेडियम के अंदर हुआ है, बाहर हुआ है, इसको लेकर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया, ना ही स्वीडिश लाइक गवर्नमेंट की तरफ से या फिर प्रेस की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आया। कुछ स्पेकुलेशन से, इन सारे मामलों में स्पेकुलेशन में जाना उतना पसंद करूंगा नहीं, काफी सीरियस टॉपिक है। एंड मैच भी बेल्जियम में हो रहा था, तो लाइक यू नो काफी सीरियस मैच को सस्पेंड कर दिया गया वैसे। एंड सेकेंड हाफ में जो पुलिस ऑफिसर्स थे वहां पे, जो लाइक यू नो इंटेलिजेंस, उन्होंने मना किया था कि कोई भी प्लेयर किसी भी कंट्री के कोई भी प्लेयर स्टेडियम में वापस नहीं आएगा। उसके बाद सारे जितने भी फैंस थे, जितना जो क्राउड था, उसको दूसरे जगह में शिफ्ट कर लिया गया। एंड फाइनली लाइक यू नो अभी सिचुएशन थोड़ा सा अंडर कंट्रोल में है, काफी कुछ बोला जा रहा है। सो अभी के लिए तो इतना ही अपडेट इस चीज को लेकर, बट हाँ डेफिनेटली जो दो विक्टिम्स है, डेफिनेटली मे देयर सोल रेस्ट इन पीस। नेक्स्ट चलो बात करते हैं बार्सिलोना के बारे में। तो बार्सिलोना बेसिकली अभी करेंटली यू नो फ्रेंकी डी योंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड करवाना चाहते हैं। ऑलरेडी 2026 का एक्सटेंशन है, लेकिन और लाइक दो तीन साल का 2028-29 तक एक्सटेंड वो लोग करवा देना चाहते हैं, क्योंकि फ्रेंकी डी योंग का रोल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है लाइक यू नो बार्सिलोना के लिए इन द फ्यूचर। और बुस्केट्स के जगह में इनको एज अ रिप्लेसमेंट खिलाया जाए, तो देखते हैं कि कब तक इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है और कब तक ये बार्सिलोना के क्लब टीम में रहते हैं। सो गाइस आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, एंड अगर चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ताकि मैं जब भी अपलोड करते रहूं तो फिर मिल जाए एंड के साथ। तब तक के लिए बाय।